एक क्विक अपडेट देनी थी चाइनीज एम्बेसी इन यू एस उन्होंने एक यूगिर मुस्लिम्स की वूमेन्स पे बहुत ही गंदा ट्वीट किया है मतलब वो ट्वीट हटा दिया है ट्विटर ने क्या ट्वीट किया था जानेंगे इस वीडियो में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज़ ये कंट्रोवर्सी टॉपिक है इसलिए मैं आपको सब आर्टिकल्स दिखाता हूँ कि प्रूफ के साथ कि ये सच्ची न्यूज़ है और मैंने चाइनीज़ एम्बेसी का स्क्रीन भी लिया है उन्होंने क्या बोला है तो आप ये न्यूज़ देखिए उन्होंने लिटरली ये बोला है कि जो यूगर मुस्लिम हैं उनके वूमेन्स बस बच्चे देने की मशीन है वो मतलब सालों साल बच्चे देती रहती हैं और उनका दिमाग हमने अब ठीक कर दिया अब वो कम से कम बच्चे देंगी ये उनका ट्वीट है आप पढ़ सकते हो तो मैंने ये ट्वीट भी डाल रखा है आप खुद ही पढ़ लीजिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया है तो ये चाइनीज़ एम्बेसी इन यू ने ट्वीट किया है और अब आप जान सकते हो कि अगर ये चाइनीज़ एम्बेसी इन यू वाले ये ट्वीट कर रहे हैं ऐसी बातें तो जो मीडिया बोलती है कि यूगर मुस्लिम पे ये सब कुछ हो रहा है मतलब इतने अत्याचार हो रहे हैं और कोई मुस्लिम कंट्री आवाज़ नहीं उठा रही है तो आज ये ट्वीट दिखाते हैं कि इन्होंने इतना गंदा ट्वीट किया है ना अरब से आया है कोई मुस्लिम के बचाव में या मुस्लिम वीमन के बचाव में ना पाकिस्तान ना ईरान कोई से भी मुस्लिम कंट्री ने या इवन टर्की ने नहीं कुछ बोला है इन यूगर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा होगा आप ये जानिए अगर जब चाइनीज़ एम्बेसी इन यू एस से बोलती है कि उगर मुस्लिम की इम्प्रमेंस बच्चे ही देती हैं बस वो देने वाली बच्चे देने वाली मशीन है इवन ट्विटर वाले कभी चाइनीज़ एम्बेसी का ट्वीट नहीं हटाते बट इतना ये ट्वीट इतना गंदा था कि इवन ट्विटर ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाके ये ट्वीट हटाया है तो आप ये सोचिए कि बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि यूगर मुस्लिम की जो मस्जिदें थीं उनको एक टॉयलेट बना के चाइनीज़ सरकार ने खड़ा कर दिया था इवन उनको मोहम्मद नाम नहीं रखने देते इवन कुरान को चेंज कर दिया ये भी न्यूज़ आई थी तो इवन इतना अत्याचार हो रहा है इवन चाइना पे कोई नहीं बोलता तो आप ये बताइए कि ये अरब या कोई और मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं बोलती है इवन पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता है चाइना के खिलाफ एनी विज गाइज सबसे पहले सबसे लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पे डालता हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं कल हैव अ नाइस डे